नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। मैं हूं इरफान। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत मंत्री परिषद की पहली बैठक कल। 15 संसदीय सचिव बनाने की तैयारी। पटवारी परीक्षा 2021 की आंसर की जारी। गहलोत के सलाहकार का पायलट पर हमला। मलाईदार विभाग गहलोत समर्थकों के पास। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक शाम 4 बजे सीएम निवास पर होगी। सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ऐसे में अब कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठकें अलग अलग नहीं होगी, अब से मंत्रिपरिषद की ही बैठक होगी। बैठक में नए मंत्रियों को नए टास्क दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सलाह दी जाएगी। उनके विभागों के वर्क प्लान पर भी चर्चा होगी। 17 दिसंबर को प्रदेश सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही है। तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर मंत्रियों से चर्चा होगी। जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर भी चर्चा होगी। मंत्री बनने से वंचित रहे विधायकों को अब संसदीय सचिव बनाकर संतुष्ट करने की तैयारी है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को संसदीय सचिव बनाना तय है। 3 में से 4 निर्दलीय और 5 से 7 कांग्रेस विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के आसार हैं। कांग्रेस हाईकमान से संसदीय सचिवों के नामों पर मंजूरी मिलते ही इनकी नियुक्ति की घोषणा हो सकती है। अभी संख्या तय नहीं है। अनुमान के अनुसार 15 के आसपास संसदीय सचिव बनाए जाने की चर्चा है। राजस्थान में 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित की गई पटवारी भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सोमवार देर रात 2 दिन हुए चारों पेपर की आंसर की जारी की गई। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट rsmssbrajasthan.gov.in पर इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी को अगर किसी सवाल या फिर जवाब में आपत्ति हो तो वह ₹100 का शुल्क देकर अपनी आपत्ति 26 नवंबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद भी कांग्रेस के भीतर खींचतान और खेमाबंदी बाहर आने लगी है। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार बनाए गए रामकेश मीणा ने अब सचिन पायलट पर जमकर जुबानी हमला बोला है। रामकेश मीणा ने कहा, सचिन पायलट ने निर्दलियों और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को मंत्री नहीं बनने दिया। जिन्होंने संकट के समय सरकार का साथ दिया, उनके खिलाफ पायलट ने हाईकमान के सामने ऐसा माहौल बनाया कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। सीएम का संकट के समय जिसने भी साथ दिया, उन्हें समय आने पर वे भूमिका जरूर देते हैं। पायलट ने बार बार हाईकमान के पास जाकर निर्दलियों और बसपा से कांग्रेस में आने वालों को मंत्री बनाने का विरोध किया। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। फेरबदल में गहलोत पायलट खेमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भले की गई, लेकिन अब भी मलाईदार विभाग गहलोत समर्थक मंत्रियों के पास ही है। पायलट कैंप को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, परिवहन और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को छोड़ जनता से जुड़ा कोई और बड़ा बजट वाला विभाग नहीं मिला है। सचिन पायलट कैंप के पास बगावत से पहले मंत्रिमंडल में जो विभाग थे उनमें पीडब्ल्यूडी को छोड़कर गिनती के हिसाब से तो सभी वापस उनके समर्थक मंत्रियों को दे दिए गए हैं, पर गहलोत कैंप की तुलना में यह बहुत कम है। पायलट कैंप को पहले खोए हुए विभाग वापस देकर साधने की कोशिश की गई है। पायलट खेमे के मंत्रियों को ग्रामीण विकास और पंचायती राज, वन और पर्यावरण, परिवहन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, संपदा विभाग दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में कोटा के जेके लोन अस्पताल में 100 से अधिक शिशुओं की मौत के कारण जानने के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। वहीं कमेटी में 3 बाल रोग विशेषज्ञों सहित एम्स जोधपुर के 2 चिकित्सकों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। अदालत ने कमेटी से अपनी जांच रिपोर्ट 1 महीने में पेश करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित होने के बाद भी इसके मरीजों को उचित इलाज नहीं मिलने और दवा नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार से पूछा है कि ब्लैक फंगस से कितने मरीज संक्रमित हैं और कितनों की मौत हुई। वही यह भी बताया कि दवाई की उपलब्धता की क्या स्थिति है। जस्टिस MM श्रीवास्तव और VK बारवानी ने यह निर्देश अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन मूथा की PIL पर दिया है।
अदालत सुनवाई 29 नवंबर को करेगी। एएजी गणेश परिवार को इस संबंध में ब्यौरा देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि ब्लैक फंगस से मरे लोगों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दवाइयों की व्यवस्था का मुद्दा राज्य सरकार का है। पीआईएल में कहा था कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी महामारी घोषित की है, लेकिन उचित इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा। इंजेक्शन लिपोसोमल अम्फोटेरिसिन बाजार में मिल ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर्स मरीजों के परिजनों को 40 से 50 इंजेक्शन लाने के लिए पर्ची थमा रहे हैं। ऐसे में मरीजों को इंजेक्शन नहीं लगने से उनकी मौत हो रही है। इसीलिए ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में काम आ रहे इंजेक्शनों को राज्य सरकार अस्पतालों में ही मुहैया कराए। राजस्थान में रविवार को मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया। इस दौरान प्रदेश में 12 नए मंत्री बनाए गए। इसके बाद अब अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल की औसत आयु में 3.8 साल की बढ़ोतरी हो गई है। अब यह मंत्रिमंडल औसत आयु के हिसाब से 60.8 साल का है। प्रदेश का मंत्रिमंडल पड़ोसी कई राज्यों में सबसे बुजुर्ग मंत्रिमंडल है। पुनर्गठन से पहले इसकी औसत आयु 57 साल थी। पहले राजस्थान का मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से अधिक जवान था। यहां औसत आयु 57 साल थी, जबकि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की औसत आयु 58 साल थी। अब पुनर्गठन के बाद मंत्रिमंडल की औसत आयु केंद्र की औसत आयु से 2.8 साल अधिक हो गई है। औसत आयु के मामले में दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है। यहाँ मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 साल है। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ोतरी को लेकर वाहवाही लूट रही है, दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही के चलते विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसा ही एक मामला राजधानी जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेह टीबा का है। इस स्कूल को अधिकारियों ने साइकिल वितरण का केंद्र बना दिया है। यहाँ अब साइकिलें तैयार हो रही है, जो जल्द ही नवी की बेटियों को वितरित की जाएगी। साइकिल वितरण केंद्र बनने से यहाँ अधिकांश जगह साइकिल उपकरणों ने रोक लिए। दिन भर मजदूर साइकिल तैयार करने में लगे रहते हैं। इससे न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। बिजली छीजत को कम करने और राजस्व नुकसान को रोकने के लिए शहर में बिजली चोरी करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। बिजली निगम की टीम शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर रोजाना बिजली चोरी व दुरुपयोग करने वालों पर पेनल्टी लगा रही है। पिछले 20 दिन में जयपुर सिटी सर्किल टीम ने शहर में 1000 से अधिक घरों में जांच की है। अब तक 368 जगह बिजली चोरी और दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इन पर निगम ने 43 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कट गया और फिर भी वे बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिजली निगम के सिटी सर्किल एसई ए.के. त्यागी ने बताया कि बिजली चोरी व दुरुपयोग रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कट गया है, उनकी भी जाँच की जा रही है, ताकि अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। रविवार शाम को महवा मार्ग पर मिस्त्री मार्केट में महमदपुर निवासी स्कॉर्पियो सवार एक युवक की पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों द्वारा धारदार हथियार और सरियों से हमला कर हत्या करने के मामले में सोमवार को महमदपुर व देवलेन के सैकड़ों ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देवलेन मोड़ पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की 7 दिन में गिरफ्तारी का आश्वासन देकर लगभग 4 घंटे बाद जाम खुलवा दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव मरीजों को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस ने फेसबुक पर हथियार बेचने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गिरोह के एक बदमाश को पकड़ा है। बदमाश हितेश ठाकुर जोधपुर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने उसे 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। सोमवार को हुई पूछताछ में बदमाश का पाकिस्तान लिंक सामने आया। इसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। उसके मोबाइल में पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों के मोबाइल नंबर भी मिले हैं। बदमाश हितेश ठाकुर को पकड़ने के लिए पुलिस को फर्जी ग्राहक बन हथियारों की डील करनी पड़ी। आरोपी जैसे ही डिलीवरी देने पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने उसे धड़ दबोचा। पुलिस ने हितेश के मोबाइल की फॉरेंसिक जाँच की तो उसके पाकिस्तान से लिंक होने का खुलासा भी हुआ है।
करीब 2-3 साल पहले जब दोनों स्टूडेंट्स ने रेप और बीट बॉक्सिंग शुरू की तब लोगों ने मजाक बनाया उनकी प्रतिभा की अनदेखी की, लेकिन अब इन दोनों का आर्ट इतना फेमस हो चुका है कि जो लोग मजाक उड़ाते थे वही अब इन्हें फॉलो कर रहे हैं। इनके आर्ट को देख इंस्टाग्राम ने भी दोनों स्टूडेंट को अपना फेस बनाया है। इस आर्ट को 10 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इनके इस आर्ट को देखते हुए इंस्टाग्राम ने इन दोनों स्टूडेंट्स को अपने विज्ञापन के अंदर जगह दी है। इंस्टा के विज्ञापन में तानिया और अंजलि के रैप सॉन्ग और बीट बॉक्सिंग को देश विदेश में लाखों लोग देखकर पसंद कर रहे हैं। इनके एक वीडियो पर 10 एड दिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि 1 लाख रुपये इन्हें इनके काम का मिल रहा है। घर पर नकली शराब बनाकर सिटी में सप्लाई करने आए शराब तस्कर को रविवार शाम झोटवाड़ा इलाके में मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम ने पकड़ लिया। पकड़े गए तस्कर जितेंद्र कुमार से पूछताछ के बाद सोमवार तड़के आरोपी के घर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब स्प्रिट अलग अलग ब्रांड के रेपर व ढक्कन बरामद किए गए। जोधपुर से वाराणसी जा रही मरुधर एक्सप्रेस में कानोता के पास एसी कोच में धुआं उठने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को कानोता में रोक दिया गया। एसी कोच और आसपास दूसरी बोगी से यात्री ट्रैक पर खड़े हो गए। इसी दौरान मेंटेनेंस के लिए पहुंचे मैकेनिकल ऑपरेटिंग और इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारियों ने 20 मिनट तक इस बात को लेकर विवाद होता रहा कि आखिर इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। इस विवाद से जो मेंटेनेंस 15 मिनट में होना था उसमें करीब 45 मिनट लग गए। ऐसे में मरुधर ही नहीं इसके पीछे आने वाली 2 और ट्रेनें लेट हो गई। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।